अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर गांव में पातालेश्वर शिव मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरदयाल सिंह ने की और संचालन ब्लॉक अध्यक्ष टीटू त्यागी ने किया। पंचायत में निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सफाई की व्यवस्था की जाए और पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाए। वही किसानों ने यह भी कहा कि क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं किसानों की फसलें खाकर चौपट कर दी है, जिससे किसान काफी दुखी है। पंचायत में विचार विमर्श किया गया कि जो चारागाह की भूमि है उसे अवैध कब्जों से मुक्त कराकर फसलों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए और बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधारी जाए। वही इस मौके पर अशोक कुमार शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष टीटू त्यागी, राजेंद्र सिंह राणा, प्रकाश सिंह चौधरी, फूल सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राणा। आपकी जो मासिक किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई है, ये किन किन समस्याओं को लेकर हुई है? ये आज एक तो स्वास्थ्य जो विभाग है उसके खिलाफ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बड़ी गंदगी है, उसकी बाउंड्री बढ़िया नहीं है, कमरों पर ना तो कहीं जो है जंगला है ना दरवाजे हैं, और वहाँ केवल एक कर्मचारी वहाँ है, 50 रोजाना मरीज आते हैं, उसमें पानी की बड़ी समस्या है और कुछ बिजली की समस्या थी, कुछ चकबंदी संबंधित समस्या थी और कुछ पुलिस से समस्या थी, तो वो कोतवाल साहब आए थे, वो कुछ समस्याओं का निराकरण हो गया है। का हमने जो है उन्हें जो है जो भी समस्या थी उन्हें अवगत करा दिया गया है और वो आश्वासन दे रहे हैं कि वो आगे को समाप्त हो जाएंगी। अमरोहा से के न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के नगर पंचायत रसूलाबाद में भयंकर ठंड को मद्देनजर रखते हुए अधिशासी अधिकारी दीपक श्रीवास्तव और नगर अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी द्वारा नगर में बड़े पैमाने पर अलाव एकत्रित करवाए गए, जहां उन्नाव में ठंड को लेकर प्रशासन सतर्क दिख रहा है। उन्नाव जिले की नगर पंचायतें भी सक्रिय दिख रही है। ऐसा ही एक नजारा नगर पंचायत रसूलाबाद में देखने को मिला, जहाँ नगर अध्यक्ष द्वारा बड़े पैमाने पर अलाव एकत्रित करवाए गए। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह के साथ गोविंद सिंह की रिपोर्ट।